हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी महोदय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी महोदय ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक छोटा सा जुगाड़ दिखाने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप किसी भी वायर को यानी तार को बहुत ही आसानी से छील सकते हैं, चाहे उसमें करंट चल रहा हो या फिर उसमें करंट नहीं चल रहा हो। तो क्या होता है कि अक्सर जब हम प्लास से या साइड कटर से या कटिंग प्लायर से जब भी हम वायर को छीलना चाहते हैं, तो अगर हमें अच्छे से उसको ऑपरेट नहीं करने आता है, चलाने नहीं आता है, तो हमारा ज़्यादातर वायर कट जाता है छीलते समय। तो वायर छोटा हो जाता है और जोड़ लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आइए मैं एक आपको छोटा सा जुगाड़ दिखाता हूँ। इस जुगाड़ विधि से आप चलती हुई लाइन में या फिर जिसमें लाइन नहीं चल रही है उसको भी बहुत ही आसानी से छील सकते हैं, यानी कवर को, पीवीसी कवर को बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। तो आइए मैं आपको फटाफट जुगाड़ दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कि तीन वायर है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अधिक दानेदार वायर है जिसमें अधिक दाना है, और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा दाना है, और यह अधिक दानेदार है, और यह जो है कि कम दानेदार है, इसमें दो तीन दाने हैं, और इसमें जो है कि 10 से 12 दाने हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो है कि यह सिंगल वायर एल्यूमिनियम का है। तो आइए मैं आपको पहले जुगाड़ दिखा देता हूँ, जुगाड़ किस तरीके से बनाया गया है। तो आइए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। यह जुगाड़ आप देख सकते हैं, यह एक सिंपल सा स्केल है प्लास्टिक का, और इसमें जो है कि नट बोल्ट की सहायता से यहाँ एक ब्लेड को कसा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ब्लेड को कसा गया है, और इससे क्या होगा कि जैसे हम, जैसे मान लीजिए इस वायर को छीलना है, तो इसको हम दो विधि से छील सकते हैं। एक तो इस तरीके से, जैसे ऐसे गोल गोल घुमा के ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, एक तो इस विधि से छील सकते हैं, और दूसरा इसका ये विधि है इस तरीके से, जैसे जैसे हम पेंसिल को छीलते हैं यहाँ इस तरीके से, मतलब दबा दबा के, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से दो विधि से इसको जो है कि बहुत ही आसानी से छीला जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला विधि बहुत ही आसान है, इस तरीके वाले से, जैसे इस तरीके से इसको थोड़ा सा दबा के इस पर एक राउंड घुमा दीजिए पूरा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह छीला जा चुका है, और ये देखिए इस तरीके से छील सकते हैं इसको। और इसको भी मैं आपको छील के यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ मान लीजिए इसमें करेंट अगर चल रहा है, तो आप ऐसे इस प्रकार से पकड़ के इसे बहुत ही आसानी से छील सकते हैं, और इसको सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक बार इस पर पूरी गोलाई से घुमा देना है। पूरा वायर एक बार घूम जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कट चुका है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको आप जो है कि अगर करंट वायर में चल रहा है तो आप इसको हाथ से ना निकालें, और इसकी जगह आप जो है कि कम्बिनेशन प्लायर यानी प्लास का उपयोग करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार और मैं आपको छील के दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से छीलना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यह छील दे रहा है, बस एक बार गोल गोल घुमा देना है, और ये देखिए बहुत ही आसानी से छीला जा रहा है। और इस रेड वायर को भी हम आपको छील के दिखा देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे दाने हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक दाना है, ये एल्युमिनियम का वायर है, और ये वाला जो है कि कॉपर वायर है, ये वाला भी कॉपर वायर है लेकिन इसमें कम दाना है। तो इसको भी जैसे इस तरीके से इस पर लगा के इसे गोल गोल इसे एक बार घुमा देना है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो है कि देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इस तरीके से अगर आप छीलना चाहते हैं, इस तरीके से, इस वाले से, जैसे मान लीजिए इस तरीके से अगर आप छीलना चाहते हैं इस तरीके से, तो ऐसे थोड़ा दिक्कत पड़ रहा है, लेकिन इस वाली विधि से बहुत ही आसानी से छीला जा रहा है। इस वाली विधि से, ये वाली विधि बहुत ज़्यादा आसान है, ये वाली, ये बस ऐसे लगाना है और इसको यहाँ जो है कि गोल गोल इस पर घुमा देना है। एक राउंड अगर आप पूरा गोल घुमा देते हैं, बस उसके बाद ये जो है कि छिला जा रहा है, और यहाँ देख सकते हैं कि कवर कट चुका है, सिर्फ वायर है, और बहुत ही आसानी से इस जुगाड़ से बहुत ही आसानी से काटा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेड की सहायता से, एक ब्लेड की सहायता से बनाया गया है,
और किस तरीके से बहुत ही आसानी के तरीके से जो है कि वायर को बहुत ही अच्छे तरीके से छील दे रहा है, और ब्लेड से जो है कि आपका वायर कटेगा नहीं, और इस तरीके से सुरक्षित तरीके से बनाया गया है ताकि आपको करंट से भी टचिंग ना हो या आपको करंट ना लगे। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी महोदया ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।